की मात्रा जो होती है उसमें ओ का साउंड आता है, जैसे मैंने क क में ओ लगाया हर तो कैसे काम हो जाएगा, ओ क ओ को ख ओ खो ऐसे ग ओ गो। तो ओ की मात्रा क्या हो किस किस तरीके से होती है, ओ की मात्रा जो होती है वो हम स्टिक के ऊपर मात्रा लगाई जाती है, ये ओ की मात्रा है। अगर हम स्टिक नहीं लगाएंगे तो ये ए की मात्रा हो जाएगी, है ना। तो हमें ओ की मात्रा लिखने के लिए वन स्टिक के ऊपर एक मात्रा लगानी है, ये ओ की मात्रा होती है, ठीक है। तो देखिए क, सभी जानते हैं ये क से कबूतर है, लेकिन हम आपको बड़ी क्लास में आ रहे हैं एचकेजी में आप लोग हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ क बोलना है आपको क। मैं इसमें ओ की मात्रा को ऐड कर रही हूँ, तो क में ओ क्या होगा को, क ओ को ऐसे मैंने लिखा ख। अब इसमें मैं फिर से ओ की मात्रा लगा रही हूँ, तो ख ओ क्या बनेगा खो, च ओ चो, ठीक है, ल ल में ओ लो, स समय हमने ओ को प्लस किया सो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज, ज में हमने ओ को प्लस किया, ज में ओ लगाया तो क्या बनेगा जो, त में हमने ओ की मात्रा को लगाया क्या हो गया तो, र र में हमने ओ की मात्रा को लगाया बेटा। तो ये मैंने आपको ओ की मात्रा के कुछ अक्षर मैंने आपको समझाए हैं, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में लिखूंगी। तो हम पहले से रिपीट करते हैं, क ओ को, ख ओ खो, च ओ चो, ल ओ लो, स ओ सो, ज ओ जो, त ओ तो, र ओ रो, फ ओ फो, प ओ पो, ठीक है। तो ये जिस तरीके से मैंने पढ़ा है वैसे आपको भी पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी बारीकी करवाऊंगी, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है, इसलिए आप इसे सिर्फ सुनिए और ध्यान से बोलिए। ओके, थैंक यू।